हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 8 हिंदी की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 22 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बेटा अकबरी लोटा। ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू है तो आज भी हम इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। और बेटा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अकबरी लोटा, वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। लास्ट वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा कि लाला झावला ने अपनी पत्नी को प्रॉमिस किया है कि वो उसको 250 रुपये दे देगा, ठीक है, क्योंकि वो जो है अपनी अकड़ वो उसको कम नहीं करना चाहता था। जब उसने कहा कि मैं अपने भाई से ले लूंगी तो लाला झाऊलाल ने कहा कि तुम 250 रुपये के लिए भीख मांगोगी, मैं तुम्हें दे दूंगा और मुझे एक सप्ताह का टाइम दो। अब टाइम जो है वो लगातार निकला जा रहा है, झाऊलाल से पैसों का बंदोबस्त अपनी पत्नी के लिए नहीं हुआ और इसके लिए वो बहुत गिल्टी फील कर रहा है और मन ही मन किसी तरह से पैसों का जुगाड़ जो है वो करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, लेकिन उससे नहीं हो पाया। तो अब देखिए, तो लास्ट वर्कशीट में बेटा हमने पढ़ा था ना कि पानी जो है वो ऊपर टहल रहा है, अपनी जो फ्रेंड है उसका, अपना मित्र उसका वेट कर रहा है, वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है और उसने नौकर से पानी मंगवाया लेकिन नौकर की बजाय पानी उसकी पत्नी जो है लेकर आई। वह पानी तो ज़रूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। अब उसकी पत्नी पानी तो ले आई लेकिन साथ में गिलास नहीं लाई, केवल लोटे में ही पानी लिए वह प्रकट हुई। तो यानी उनकी पत्नी जो है वो लोटे में ही पानी ले आई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो बेढंगी सूरत के कारण लाला झावलाल को सदा से नापसंद था। तो बेटा लोटा जो है कई बार क्या होता है ना कि घर में बर्तन गिर जाने के कारण या कई बार दबाव आ जाता है तो वो खराब हो जाते हैं, वो उनकी शेप जो है ना वो बड़ी बेढंगी हो जाती है, वो दिखने में अच्छे नहीं लगते। तो ऐसा ही लोटा जो है उनके घर में भी है जिसमें उसकी पत्नी पानी लेकर आई है और ये लोटा झावलाल को बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन उनकी पत्नी उसी लोटे में पानी लेकर आई है, ठीक है। तो यह तो नया साल 2 साल का ही बना पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो, ठीक है। तो ऐसा इसमें अब बेटा देखिए, ये जो लोटा है ना, ये लोटा इसकी शेप ही कुछ बताई गई है कि जो ये बना हुआ है, गड़न का मतलब क्या होता है, इसकी बनावट, बनावट जो बताई गई है उस लोटे की कि वो ज़्यादा पुराना नहीं है, 2 साल का ही बना, ठीक है ना, यानी ज़्यादा पुराना नहीं है लेकिन उसकी गड़न उसकी बनावट कुछ ऐसी है कि उसका बाप डमरू, डमरू देखो बेटा डमरू यहाँ पे बाप डमरू है, यानी डमरू की शेप जो है वो आप सब बच्चों को पता है ना, डमरू की शेप जो है कुछ ऐसी ऐसी करके होती है और उसको ऐसे बीच में से ऐसे होती है ना। तो जो ये डमरू की शेप बताई गई यानी डमरू बेडंगा बताया गया है कि बाप तो डमरू रहा हो और माँ जो है वो चिलम रही हो। चिलम क्या होता है कि जो हुक्का पीते हैं ना लोग, ठीक है, गाँव में आपने देखा हो तो बूढ़े बुजुर्ग जो है वो हुक्का पीते हैं तो उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों को कंपेयर करके बताया गया है कि बाप डमरू हो और माँ इस तरह से चिलम हो तभी ये लोटा प्रकट हुआ है, यानी इन दोनों के का एक तरह से क्या है कि अगली जो पीढ़ी है वो क्या है, इनकी लोटा है और ये लोटा कैसा है, बेडंगा लोटा है। उसके बाद देखिए, लाला ने लोटा ले लिया, अब लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, अदब यानी उनकी जो है एक तरह से क्या था, उनका लिहाज करते थे, ठीक है, उनकी इज्जत करते थे, उनका लिहाज करते थे, तो इसलिए उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया और शर्मिंदा भी थे साथ साथ कि वो पैसे का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वो है पति कैसा, ठीक है। तो फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो लोटे में, इस तरह के लोटे में भी पानी मिलता रहे तो भी बहुत बड़ी गनीमत है, अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा तब क्या करना बाकी रह जाएगा। तो यहाँ पर लाला झावलाल जो है वो अपने मन ही मन ये सारी बातें अपने मन ही मन कह रही हैं कि अगर मैंने इस लोटे के लिए कि तुम अपनी पत्नी को कुछ भी कहा, यानी चू भी कर दिया, यानी कहा कि तुम इस लोटे में पानी क्यों लेकर आई हो, तो क्या होगा, वो गुस्सा हो जाएगी, एक तो पैसे नहीं दिए, ऊपर से फिर लाला झावलाल उनको बोलेंगे भी, तो उससे क्या होगा कि जो खाना है वो प्लेट कटोरी में आने के बजाय किस में आएगा, बाल्टी में आएगा। लाला झावलाल कहते हैं कि फिर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह की जो है उनके मन में ये उधेड़बुन चल रही है। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे, तो लाला ने गुस्सा तो पी लिया, अब पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे, छत की मुंडेर तो सभी बच्चे समझते होंगे ना,
जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम भी बनाया था या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे जो लाला झाऊलाल हैं वो क्या सोच रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं उन्होंने कुछ पानी पीने के संबंध में कुछ नियम बनाए हैं, ठीक है, और वो नियम क्या होते हैं कि हमें खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा, ठीक है, दौड़ने के बाद एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी पीकर नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ नियम जो है पानी पीने के संबंध में हमारे बुजुर्गों ने बनाए, उन्होंने पता नहीं यह कभी नियम बनाया नहीं कि छत की मुंडेर के पास, कि वो एक बात कह रहे हैं कि पता नहीं उन्होंने यह नियम कभी बनाया नहीं कि छत के मुंडेर के पास भी पानी नहीं पीना चाहिए। अब ये छत की मुंडेर के पास पानी ना पीने का क्या लॉजिक है वो अभी आपको समझ आएगा कि हुआ क्या, क्योंकि जो लाला झाऊलाल है वो छत की मुंडेर के पास पानी पी रहे थे। अब क्या हुआ कि उनके हाथ से लोटा जो है वो हाथ से छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है, इसीलिए वो यहाँ पर जो बाकी पानी पीने के नियम है उनसे कंपेयर करके कह रहे हैं कि पता नहीं ये नियम बनाया नहीं बनाया। तो अगर ये नियम बनाया होता कि छत की मुंडेर के पास पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए तो क्या होता, वो दूर होकर पीते और लोटा जो है वो नीचे नहीं गिरता। ऐसी जो है कुछ सिचुएशन यहाँ पर दिखाई गई है। अब देखिए, जान पड़ता है इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जान पड़ता है कि इस बारे में कि मुंडेर के पास पानी नहीं पीना चाहिए, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। लाला झाऊलाल मुश्किल से एक दो घूंट पानी ही पी पाए होंगे कि उन्होंने थोड़ा सा ही पानी पिया था कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल बैठा और लोटा जो है वो छूट गया, लोटा जो है वो नीचे चला गया। अब क्या हुआ, लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, अब लोटा कहाँ दाएं बाएं देखने वाला था, वो तो नीचे ही गिरेगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, नीचे गली की ओर चल पड़ा, यानी ऊपर से गिरा तो नीचे की ओर चला गया, अपने वेग में उल्चा उल्का को लजाता हुआ। देखिए बेटा, उल्का जो पिंड होता है, ठीक है, उल्का पिंड जब आकाश से गिरती है तो बहुत तेज गति से नीचे आती है, तो यहाँ पर लोटे की जो वेग है उसकी जो गति है उसको उल्का पिंड से कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है कि इतनी तेजी से लोटा नीचे जा रहा था कि इतनी तेजी से तो उल्का पिंड भी नीचे जो है ना गिरे, ऐसा कंपैरिजन यहाँ पर किया गया है कि अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया, यानी इतनी तेजी से नीचे गया कि उल्का को लजाता हुआ, उल्का जो नीचे गिरता है पिंड उसको भी शर्मिंदा करते हुए वो इतनी स्पीड में नीचे गिर गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। तो यहाँ पर क्या है बेटा, न्यूटन का नाम सभी बच्चे जानते हैं। न्यूटन ने क्या बताया कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है और जब भी किसी वस्तु को आप ऊपर से जो है गिराते हो तो वो ऊपर से नीचे की ओर ही आती है, कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाती। किसके कारण? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी न्यूटन नाम के खुराफाती, खुराफाती क्या होता है, किसी शरारती ने, ठीक है, शरारती किसको कहा गया है, शरारती न्यूटन को कहा गया है। उन्होंने पृथ्वी के आकर्षण शक्ति, आकर्षण शक्ति कौन सी शक्ति, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, उन्होंने ये एक नई चीज इजाद यानी खोज की थी। तो न्यूटन ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, सभी बच्चे जानते हैं, साइंस में पढ़ा है आपने। उसके बाद देखिए, कहना ना होगा यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि जितनी स्पीड से वो नीचे गिरा है, इसका तो मतलब यह हुआ कि इस समय ये जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो सारा का सारा इस लोटे के ऊपर लग गया, जिसके कारण वो इतनी स्पीड से नीचे भागा। तो यहाँ इस तरह से एक मजाकिया अंदाज में, लहजे में इसको लोटे की शेप को बताया गया है, कभी न्यूटन को बीच में लाकर जो है यहाँ पर उसके जो नियम है उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, कभी उल्का पिंड से उसको तुलना की जा रही है। अब देखिए, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा पहला प्रश्न क्या है, लाला झाऊलाल ने लोटा ना पसंद होते हुए भी पत्नी से क्यों ले लिया? लाला झाऊलाल ने बेटा पसंद नहीं था लोटा, फिर भी पत्नी से क्यों ले लिया? क्योंकि वो पत्नी का अदब मानते थे, यानी पत्नी का क्या मानते थे, लिहाज करते थे, जिसके कारण उन्होंने लोटा पसंद ना होते हुए भी पत्नी से ले लिया। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो बेटा यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे, लाला झाऊलाल अपनी पत्नी का लिहाज करते थे इसलिए उन्हें लोटा पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के हाथ से लोटा ले लिया। तो ये आप इसका आंसर लिख देंगे, अपनी पत्नी का लिहाज करते थे इसलिए लोटा पसंद नहीं होने पर भी उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ से लेकर उन्हें पानी पी लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके विचार से बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए हैं? तो बेटा बुजुर्गों ने क्या क्या नियम बनाए हैं, तो बेटा देखिए, बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में नियम बनाए हैं यहाँ से लेकर
कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो। तो यहाँ तक आप जो है इसका आंसर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके विचार से बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए हैं। तो हमने यहाँ से बताया आपको बुजुर्गों से लेकर और यहाँ तक पानी ना पियो, दौड़ते समय पानी ना पियो, यहाँ तक आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख दीजिए। अब करते हैं प्रश्न 3, आप न्यूटन के नियम के विषय में क्या जानते हैं। तो बेटा न्यूटन जो है उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के कुछ नियम दिए थे, तो ये जो है उन्होंने 3 नियम इस बारे में दिए थे। तो ये बेटा इसका आंसर लिख लेते हैं। तो बेटा न्यूटन के गति के 3 नियम दिए हैं, न्यूटन ने गति के, ठीक है, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। पहला नियम क्या है, गति का प्रथम नियम, जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह नियम कहता है कि बेटा जब तक किसी भी चीज़ पर बाहरी बल नहीं लगेगा तो कोई भी वस्तु अगर गति में है तो गति में रहेगी, विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी। गति का दूसरा नियम क्या है, इसको हम संवेग का नियम भी कहते हैं, जिसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी जो बल होता है बेटा वो जो है किसके बराबर होता है, वो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके जो है एक यानी उसके अंदर जितना त्वरण होता है उसके बराबर होता है। बेटा ये आपको अभी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, इसीलिए यहाँ पर आप जो है क्या करना, यहाँ पर आप केवल यही लिख देना, जड़त्व का नियम होता है, गति का दूसरा नियम संवेग का नियम, और गति का तीसरा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है ना, कि किसी वस्तु पर अगर हम क्रिया करते हैं तो हमेशा वो वस्तु वापिस एक प्रतिक्रिया जरूर करती है, ठीक है। तो आप ये 3 नियम जो है इस बारे में लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, गतिविधि के आपकी रसोई में कुछ ऐसे बर्तन हैं जो आपको नापसंद है, बर्तन के नाम के साथ उसके नापसंद होने का कारण भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो बेटा आपके रसोई में अगर ऐसे कोई बर्तन है तो आप उनके बारे में लिख दीजिए कि आपको वो नापसंद है तो क्यों है। सभी के घर में कुछ कोई ना कोई ऐसा बर्तन जरूर होगा जो कहीं से दब गया है, कहीं से टूट गया है, तो ऐसा बर्तन जो है वो हमें नापसंद होता है, तो उसके बारे में लिख दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए लिखा है कि रसोई घर में कई ऐसे बर्तन हैं जो मुझे बिल्कुल नापसंद हैं, 2 कटोरियाँ हैं जिनके किनारे टूट गए हैं, और एक कुकर है जो बिल्कुल टेढ़ा हो गया है और यह देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और कटोरियों से हाथ कटने का डर भी रहता है। तो उनके किनारे जो फट जाते हैं कटोरियों के बेटा, तो वो बर्तन जो है वो नापसंद होते हैं। तो ये आप आंसर लिख दीजिएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।